हाय एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम इंदर और आप देख रहे हो श्वेता व्लॉग में आपका स्वागत है। सो अभी हम ट्रिगर इंसान का नया वीडियो करने वाले पागल जोन। प्लीज डिलीट योर चैनल। क्या हो गया? चलो देखते हैं। आजकल के नल्ले बेरोजगार छबरी और भिखमंगे और चप्पल चोर लड़के लड़कियां, इनको लगता है सस्ती पॉपुलैरिटी के लिए किसी भी बड़े यूट्यूबर को पकड़ो, उसके ऊपर 2-4 हज़ार वीडियोस बनाओ, उसको गालियां दो, कभी ना कभी तो हमें पॉपुलैरिटी मिल जाएगी। और जब वो हो जाएगा तो हम सॉरी, हम तो बहुत गरीब है, हमने तो कुछ ऐसा गलत नहीं करा, हम तो सिर्फ व्यूज के लिए कर रहे थे, ये बोल के हम एकदम क्लीन हो जाएंगे। लेकिन ये सब शुरू कहां से हुआ? ये टॉक्सिक ट्रेंड, ये टॉक्सिक कल्चर स्टार्ट करने वाली वो कौन थी? वो एक जिसने पूरे यूट्यूब पे कचरा फैला रखा है, वो एक लॉर्ड ऑफ क्रिंज, वो एक लॉर्ड ऑफ क्लिक बेट, यूट्यूब की कमोलिका, वो है नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पायल जोन, कुछ लोग मुझे पागल जोन, गवार जोन या फिर यूट्यूब का कैंसर भी कहते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सो आज मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ। मेरी दिन की चर्या शुरू होती है कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस से, क्योंकि मुझे अपने नाक के नथुने वीडियो में अच्छे से फाड़ने होते हैं, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना तो काफी जरूरी है। इसके बाद देखिए, भगवान की प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। ओम सूर्याय नमः, ओम शिवाय नमः, ओम देवाय नमः। हे भगवान, सबको सुखी रखो और खूब सारी तरक्की दो ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी को, क्योंकि जब तक उनके नाम पे व्यूज आते रहेंगे तभी तक तो मेरा भी घर चलेगा ना। ए देवा 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 देवा, ट्रिगर्ड इंसान और सौरभ जोशी, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे नाम पे हमेशा व्यूज आते रहे ताकि मेरा भी चैनल चलता रहे। जय हो। तो भगवान की प्रार्थना करने के बाद अब वक्त आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज का, माई वर्क, यूट्यूब वीडियोस बनाना। मामा, मैं काम पे जा रही हूँ, ओके बाय। हाय हाय, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, आज किस क्रिएटर के बारे में बकवास करूं? सौरभ जोशी या ट्रिगर्ड इंसान? एक काम करती हूँ, इनपिन सेफ्टिपिन कर लेती हूँ, इनपिन सेफ्टिपिन नहीं ना, आज ट्रिगर्ड इंसान की बारी है। तो गाइस, ट्रिगर्ड इंसान, सॉरी नथुने फाड़ना भूल गई। तो गाइस, आज ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे साथ ऐसा करा, गवार कहीं का। मामा, मैं वापस आ गई, मेरा काम हो गया। अभी घर पे पैसे आ जाएंगे। देखिए, आप लोगों को शायद लग रहा होगा कि आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल होता है डिसाइड करना कि ट्रिगर्ड इंसान या सौरभ जोशी किसके बारे में बकवास करनी है आज। खैर, 10 मिनट तक उनके बारे में कॉन्स्टेंट जो भी मेरे मन में आता है वो बकवास करने के बाद मेरा काम हो जाता है, यूट्यूब वीडियो बन जाती है। एंड 2 साल से मैं ये कर ही रही थी, लेकिन कभी कभार कोई मेरे ऊपर वीडियो भी बना देता है। गाइस, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ट्रिगर्ड इंसान ने मेरे बारे में वीडियो बनाई। मैं बिलीव ही नहीं कर सकती कि मैं पिछले 2 साल से उसके बारे में इतनी बकवास कर रही हूं और उसने एक वीडियो बनाई है मेरे ऊपर। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? मेरा तो दिल ऐसा बैठा जा रहा था उसकी वो वीडियो देख के। ऐसे इंसान को तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, इसका बेड़ा गर्क हूं। काफी अच्छी एक्टिंग करी आज मैंने। चलो, अब घर में पैसा आ जाएगा, घर चल जाएगा मेरा। मेरे वीडियो के टाइटल्स को क्लिकबेट बोल रहे हैं, शर्म भी नहीं आती। मैंने बस यही तो बोला था कि इन्होंने मेरा घर जला दिया है, या मेरी नाक काट दी है जो अगली वीडियो में वापस आ गई थी, या फिर मेरी टांगे काट दी। ये मेरी टांगे है नहीं, ये आपको लग रही होंगी मेरी टांगे है, बट ये मेरी टांगे है नहीं, ये नकली लगवा रखी है मैंने। और सबसे मुश्किल काम होता है थंबनेल बनाना। पता है कितनी सुंदर सुंदर शक्लें बनानी पड़ती हैं उसके लिए। ये सब तो चलता ही रहेगा जब तक सौरभ जोशी और ट्रिगर्ड इंसान का नाम रहेगा, पागल जोन का घर चलता रहेगा। मम्मी, पैसे आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं लेनी है, घर चल जाएगा। तो इसने जो मैंने अदनान 07 पे वीडियो बनाई थी उसके ऊपर एक वीडियो बनाई है, ट्रिगर्ड इंसान अपनी औकात देख, गवार इंसान। आइए देखते हैं क्या औकात दिखा रही है ये हमें हमारी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों अपनी आज के इस वीडियो में मैं फिर से आप लोगों के सामने आ गई हूँ एक यूट्यूबर के कपड़े उतारने के लिए। एंड इस यूट्यूबर का नाम है ट्रिगर्ड इंसान। तो व्हाट द हेल मैन, व्हाट डू यू मीन बाय कपड़े उतारने के लिए? मेरी इज्जत क्या, कैसी बातें कर रही है यार ये? हम भी, मेरे को थोड़ा थोड़ा शर्म आ रहा है।
मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाती, लेकिन इन्होंने जो कल मैं इनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाती, तेरा पूरा चैनल सिर्फ मेरे ही नाम से भर रखा है। ट्रिगर्ड इंसान, आई एम सॉरी, ट्रिगर्ड इंसान सेड सॉरी टू मी, ओपन चैलेंज टू ट्रिगर्ड इंसान, लास्ट वार्निंग फॉर ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड इंसान इज द बेस्ट, ट्रिगर्ड इंसान डोंट टॉक अबाउट मी, ट्रिगर्ड इंसान रोस्टेड मी, आई टुक लीगल एक्शन अगेंस्ट ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, ट्रिगर्ड इंसान, और ये कह रही है ये मेरे बारे में कोई वीडियो नहीं बनाती। अच्छा उसमें बीच में इन्होंने बोला था मेरे बारे में कुछ, और फिर कह रहे थे कि भाई पायल जोन को तो एक महीने का कंटेंट मिल गया, अब तीन चार महीने का कंटेंट तो पायल तुम्हारे लिए निकल ही जाएगा। तो अगर इन्होंने बोला ही है कि मैं इनके ऊपर एक महीने तक लगातार वीडियो बनाने वाली हूँ, तो ठीक है, इनकी बात को सही साबित करते हैं और इनके पीछे पड़ जाती हूँ अब तो मैं। वो तो तू वैसे भी पिछले दो साल से पड़ी हुई है, अगर ये पीछे पड़ना नहीं है तो व्हाट इज पीछे पड़ना। मैं पहले सोचता था कि तू सुधर जाएगी, तू सुधरी नहीं, तू मेरे पीछे पड़ी रही, मैं तुझसे भागता रहा, लेकिन अभी मैंने सोचा क्यों भाग रहा हूँ, मैं भी उतर आया हूँ अब मैदान में। एक बहुत बढ़िया बात है, आप डेविल के पीछे, डेविल आपके पीछे, अब तू मेरे पीछे थी, अब मैं तेरे पीछे पड़ूंगा। तू मेरे बारे में एक वीडियो बनाएगी, मैं तेरे बारे में दो वीडियो बनाऊंगा, तू मेरे बारे में दो वीडियो बनाएगी, मैं तेरे बारे में तीन वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि तेरा चैनल इज ऑल अबाउट लोगों को डिफेम करो, उनके ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाओ, क्लिक बेट करो, उनके बारे में बकवास करो, एंड ऐसे न जाने कितनी फालतू चीजों से तेरा चैनल भर रखा है। मैं तेरे पीछे पड़ा हूं, अब द टेबल्स हैव टर्न्ड, मिल गया, तो ठीक है ट्रिगर्ड इंसान, आप जो चाहते हैं वही होगा, अब मैं एक महीने तक आपके लिए ही वीडियो बनाऊंगी, तो आप एक महीने तक मेरे लिए ही वीडियो बनाओगी नथुने फाड़ के, तो मैं भी एक महीने तक नथुने फाड़ के आप पर ही वीडियो बनाऊंगा। अच्छा गाइस, मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर्ड इंसान ने कल अदनान के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे इतना बुरा लगा देखकर, मेरी आंखों से आंसू आने लग गए कि कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है। मैंने वो जो वीडियो बनाई थी अदनान के ऊपर, उस पूरी वीडियो में मैं सिर्फ अदनान की रील्स और टिकटॉक्स पे हंस रहा था, और वो देख के इसको बहुत बुरा लगा, इसके आंसू निकल आए, बेचारी को कितना हर्ट हुआ। तो ये जो मेरे बारे में वीडियो बनाती है, मैंने इसके पिताजी के साथ पता नहीं क्या कर दिया, इसका घर जला डाला, इसकी दादी मेरी वजह से चल बसी, वो देख के मुझे कितना हर्ट होता है, मुझे हर्ट हो रहा है बिग बॉस। ट्रिगर्ड इंसान ने कल अदनान के ऊपर वीडियो बनाई थी, मैंने वो वीडियो देखा, मुझे इतना बुरा लगा देखकर, मेरी आंखों से आंसू आने लगे, अरे बेचारी, इतना बुरा कैसे हो सकता है। ट्रिगर्ड इंसान ने ऐसी पर्सनल लेवल की बातें बोली अदनान को कि मैं बता भी नहीं सकती हूँ, इतना बता भी नहीं सकती हूँ, बताएगी तो तब जब कुछ बताने के लिए होगा, बोली होंगी तो बताएगी ना, ये अपनी मनगढ़ंत बातें बोलने से कुछ नहीं होता, प्रूफ दिखा ना क्या बोला है। वो लाफ रिएक्शन वाली वीडियो थी, मैं उसकी रील्स और टिकटॉक्स पे सिर्फ करके बड़ा सा मुंह पाड़ के हंस रहा था, इसके अलावा कुछ नहीं था उस वीडियो में, तो कहां से बताएगी, जब होगा बताने को तो बताएगी ना पागल जौन। वीडियो बनाया, इतना लंबा वीडियो बनाया, बट उसके बावजूद अदनान ने कोई रिप्लाई नहीं किया, डायरेक्टली उन्होंने अब्यूज तक नहीं किया ट्रिगर्ड इंसान को, लेकिन ट्रिगर्ड इंसान ने इतना कुछ उसको बोला, उन्होंने अब्यूज तक नहीं करा ट्रिगर्ड इंसान को, पर ट्रिगर्ड इंसान ने तो बहुत ज्यादा अब्यूज कर दिया उनको, बहुत सारी गालियां निकाल दी उसको, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, जलील कर दिया है बेचारे को, नाक के नथुने फाड़ के जो भी दिमाग में उलूल जुलूल बातें आती है वो बोलने से कुछ नहीं होता, फैक्चुअल प्रूफ दो ना, अगर कुछ बोला है तो दिखाओ ना, हंसना मतलब मेरा हंसना बेचारी को कितना बुरा लग गया, रो पड़ी बेचारी अभी भी, देखो नाक के नथुने फाड़ के रो ही रही है। यार कम से कम ट्रिगर्ड इंसान इतना लेवल तो क्रॉस मत करो, आप किसी के अपीयरेंस के बारे में बोल रहे हैं, आप उसके कंटेंट का मजाक उड़ा रहे हैं अपनी वीडियो में, हाथ खाली नहीं, हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो थाम लेते और अगर दुश्मनी के लिए बढ़े तो काट लेते। कुछ भी हो, देखो भाई ऐसा है, एकदम ज्ञान की बातें देते हुए, हाथ दोस्ती के लिए बढ़े तो ये करते हैं और इस चीज के लिए बढ़े तो वो करते हैं। ये मैंने उसके कंटेंट के बारे में पता नहीं कैसी बात बोल दी, जिसको देख के बेचारी पागल जोन रो पड़ी, हाय राम, शर्म आनी चाहिए मुझे अपने आप पे, गंदा बच्चा, वो टिकटॉक वाली वॉक का मजाक उड़ाता है, गंदा बच्चा, निश्चय गंदा बच्चा। अरे आप अपना कंटेंट तो देख लो, आप क्या कंटेंट दे रहे हो, आपकी वीडियो तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आती, क्या आप क्या बनाते रहते हो, आपकी वीडियो तो किसी को नहीं समझ में आती है, ना उसमें हंसी आती है, ना उसमें कुछ लॉजिक होता है, ना आपकी वीडियो में कोई सेंस होता है, तो आप अपना कंटेंट देखो, दूसरे के कंटेंट को मत बोलो। सही कह रही है गाइस, मेरा कंटेंट बहुत बुरा है यार, मेरे कंटेंट को देख के किसी को मजा नहीं आता, पागल जोन के कंटेंट को देख के बहुत मजा आता है लोगों को, जब वो नथुने फाड़ के ऐसा कैमरा के अंदर घुस के, सौरभ जोशी जो है इन्होंने मेरा घर जला दिया है, ट्रिगर्ड इंसान ने मेरी लात काट दी है, ये जो वीडियोस बनाती है ये देख के लोगों को बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशन मिलती है, काफी यू नो एजुकेट हो रहे हैं लोग आपकी वीडियोस देख के। अपनी
अपीयरेंस देखो, आप तो इतने लंबे हो, आप भूत जैसे लगते हो, आप तो इंसान भी नहीं लगते हो, आपको देखकर लगता है आप भूत हो। एक सेकंड, ये क्रोकोडाइल जैसी शक्ल वाली साउथ पोल की सुअर मेरी शक्ल के बारे में बोल रही है। अबे तू जब कैमरा के अंदर घुस के अपने नाक के नथुनों के अंदर वो अंदर का भी जो माल दिख रहा होता है तेरा, वो दिखा के जब तू वीडियो बनाती है, मैंने बोला कि तू क्रोकोडाइल जैसी है, मैंने बोला क्या कि तेरी शक्ल और क्रोकोडाइल की बीक आगे वाली सेम लगती है। ये देखो मैं बोल रहा हूँ, तुम मेरी अपीयरेंस पे जा रही है भाई, ये अभी तुम गलत कर रही हो पागल जोन। क्रोकोडाइल जैसी लगती हो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम किसी और को कुछ भी बोल सकती हो। मैंने बोला क्या कि तुम क्रोकोडाइल जैसी हो? नहीं बोल रहा ना मैं तुम क्रोकोडाइल जैसी हो, बेशक तुम हो क्रोकोडाइल जैसी, बट नहीं बोल रहा ना मैं नाक के नथुनों के अंदर तक का माल दिख रहा होता है, इसका मेरी शक्ल के बारे में बोल रही है। उसके बाद आप अदनान के बारे में बोल रहे हो तो वो चीजें गलत है। मैंने अदनान की शक्ल के बारे में बोला ही नहीं है, प्रूफ दिखा ना, प्रूफ दिखा नहीं दिखा सकती क्योंकि है ही नहीं है यार। एटलीस्ट थोड़ा इंसानियत रखो अपने अंदर, और कुछ तो आपके अंदर बचा नहीं है, तो एटलीस्ट थोड़ा सा इंसानियत अपने अंदर। ये इंसानियत का भाषण मेरे को दे रही है, ये 2 साल से क्या क्या वीडियो बना चुकी है मेरे बारे में। हर हिपोक्रेसी की भी सीमा पार हो रही है। ट्रिगर्ड इंसान को तो कुछ भी 1 रुपया का काम धंधा नहीं है, उनको जहाँ पे दिखता है कंट्रोवर्सी हो रही है वहाँ पे जाके कूद पड़ते हैं। मेरे और जब सौरभ जोशी के बीच में कंट्रोवर्सी हुई थी ये बीच में आ गए, इनको ना किसी ने न्योता दिया, ना इनको किसी ने बुलाया, ना इनको किसी ने राय मांगी, जबरदस्ती कूद पड़े बीच में हमारी कंट्रोवर्सी के। तो जिसको कुछ काम धंधा नहीं रहता वो आए दिन ऐसे मैं तेरी और सौरभ की कंट्रोवर्सी के बीच में कूद गया फॉर व्यूज, एज इफ मुझे तेरा नाम लिखने की जरूरत है टाइटल थंबनेल में व्यूज के लिए। तू पीछे ब्लैक बोर्ड पे ट्रिगर्ड इंसान अपनी औकात देख लिख के बैठी हुई है, तू एक बार खुद को देख, तेरा पूरा चैनल, तेरा पूरा अस्तित्व मेरे और सौरभ के भरोसे टिका हुआ है। अगर कल को मैंने और उसने वीडियोस डालनी बंद कर दी, हमारे व्यूज आने बंद हो गए, तो तेरा क्या होगा? और तू कह रही है कि मेरे को कोई काम धंधा नहीं है तो मैं बस यही बोलूंगी कि यार कुछ हंसती खुद हंसती क्योंकि इसको खुद भी पता है क्या ही बकवास बोल रही हूँ मैं। वो एक सेकंड, मैं अभी ये वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा था और पागल जोन एक और वीडियो डाल चुकी है मेरे बारे में, नाइट आउट विद ट्रिगर्ड इंसान। क्या व्हाट मेरे को मेरी इज्जत बचानी पड़ेगी नाइट आउट विद ट्रिगर्ड इंसान, ये कब हुआ बे? क्या बनाई है वीडियो? तो भाई ये मैं आ गई ट्रिगर्ड इंसान के पास, अब तो बना लू ना मैं वीडियो ट्रिगर्ड इंसान, अब मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है ना। परमिशन किसने ली? हेलो गाइस, तो दोस्तों आज मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि मेरी और ट्रिगर्ड इंसान की जो फाइट चल रही थी यूट्यूब के ऊपर, वो फाइट फिलहाल के अंदर खत्म हो चुकी है, एंड मैं और ट्रिगर्ड इंसान काफी अच्छे दोस्त भी बन चुके हैं। ये कब हुआ? पहले तो हमारी फाइट खत्म कब हुई? पहले तो हमारी फाइट शुरू कब हुई? शुरू भी तेरी तरफ से हुई, खत्म भी तेरी तरफ से हुई। तो मैं भाई क्या मंदिर का घंटा हूँ तो कोई भी आगे बजाया जा रहा है? 200 वीडियो में मेरे बारे में बकवास कर ली, फिर खुद ही कह रही है अब हमारी दोस्ती हो चुकी है, तो मैं क्या हूँ? मैं कौन हूँ? मेरा अस्तित्व क्या है? पहले तो मेरे को मेरी इज्जत छुपा लेने दो। नाइट आउट विद ट्रिगर्ड इंसान टाइटल सुन के मेरे को तो क्रिंज दौड़ रहा है मेरे शरीर में। हम लोगों ने आपस में सारी बातें सॉर्ट कर ली है, सब कुछ हमने सुलझा लिया है, कहीं ना कहीं नई दोस्ती की शुरुआत हम लोगों ने कर दिया है। कब? ट्रिगर्ड इंसान मेरे काफी ज्यादा अच्छे दोस्त है, एंड नहीं मुझे ये दोस्ती स्वीकार नहीं है। मैं तलाक इनकार करता हूँ इस दोस्ती से, मुझे नहीं चाहिए ये दोस्ती। छी, इस साइड में यहाँ पर हम लोग गेम्स खेलेंगे तो उसकी तैयारियां हो रही है। अभी मैं बाहर आ गई थी गाइज, एंड बाहर में मेरे को यहाँ पे मिले हैं फुकरा इंसान एंड ट्रिगर्ड इंसान। तो ये लोग इतना ज्यादा लेट आए हैं, इन्हीं की पार्टी थी और यही लोग लेट हो गए। सो कोई बात नहीं, ऐसा होता ही रहता है, हम लोग ने इनका काफी वेट किया, एंड यहाँ पे सब लोग ये लोग ये बोली जा रही है और मैं और अभिषेक चुप है, हमारी कोई आवाज ही नहीं आ रही है। यार ये कितना बेवकूफ बनाएगी लोगों को, किसी का रैंडम व्लॉग उठा के उसके ऊपर अपना वॉइस ओवर लगा रही है। ये 6-7 महीने पुरानी वीडियो है भाई, 6-7 महीने पहले मैं, थगेश, अभिषेक, धीरू, नियॉन मैन और रचित्रु, हम सारे मिलके हमने एक वीडियो बनाई थी अभिषेक के चैनल के लिए 6 महीने पहले। ये वीडियो ये आज डाल रही है वॉइस ओवर करके, कितना लोगों को बेवकूफ बनाएगी। लोग भी व्लॉगिंग कर रहे हैं यहाँ पे मस्त, आप लोग ट्रिगर्ड इंसान को देखिए व्लॉगिंग करने में लगे। अरे मैं भी व्लॉग कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मेरे पास भी ये सीन होंगे। गेट पे ही सैंडविच लेके आ गए हैं छोटू बेटा। ये मैं आपके लिए लाया, मतलब स्टार बॉय को लाना सारे। बेटा इतनी भी जल्दी नहीं थी, अभी अंदर एंटर तो करने देते ओ भाई ओ माय गॉड,
आई कांट बिलीव इट, ये लड़की भाई अलग लेवल पे जा चुकी है। ये वाले सीन में मेरे सामने रचित्रू खड़ा हुआ है जिसको मैं सैंडविच दे रहा हूँ, और ये लड़की उसके ऊपर वॉइस ओवर करके बोल रही है कि मैं हूँ। यार ये अलग लेवल का, इसने नया अब कैंसर शुरू कर दिया है, किसी और की वीडियो उठा के उस पर वॉइस ओवर कर रही है। आई एम अ ट्रिगर्ड इंसान, नाइट आउट। मैं भी मैदान में आ चुका हूँ, आजा पागल जोन, कैसा बोलता है वो जोगिंदर, आजा आजा। एनीवेज गाइस, आई होप यू गाइस एंजॉयड दिस वीडियो, इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक इट। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे क्यों किया तुमने ट्रिगर भाई, ऐसे क्यों किया आपने? लेकिन यार क्या बनाती है रे बंदी, मतलब ये बंदा वीडियो बना रहा है, उधर तो उसे वीडियो आ भी गई उसका आ गया, मतलब ओ भाई पक्का ये वो कैंसर वाली फीलिंग है, कौन सा आ जाता है क्या आ जाता है पता नहीं। वो वॉइस ओवर देखा, मतलब क्या है यार, उसे कैसा, फिर पता चला अपना ये भी करता है ना ब्लॉगिंग, ओके इसने ऐसा डाल दिया होगा। जबरदस्त है एकदम पागल, बहुत रोई है, बट वो बहुत रोई है यार, मेरे तो ऐसे भी नहीं बाहर आ रहे, बहुत रोई है वो, फीलिंग से ना पहुंच गई हम तक, इतनी रोई है वो। तुमने लेकिन मगरमच्छ वाले टी शर्ट क्यों पहनी आज? मैं ना कुछ ज्यादा बोल देती भाई, माफ करो यार इसको, छोड़ो भाई छोड़ो। नहीं लेकिन अभी ट्रिगर है, पड़ गया है, अब देखते हैं कब तक चलेगा ये, क्योंकि नहीं यार बहुत ज्यादा हो गया है, एक महीने से कुछ ना कुछ देखते हो, दो महीने से कुछ ना कंट्रोवर्सी चालू ही चाहिए ज्यादा ही करने लगी यार, मतलब कुछ दो साल, और वो खुद बोला ना दो साल से मेरे नाम का तो बना रही है, सौरभ का तो रहता ही रहता है, सौरभ का तो पता था, किसी और यूट्यूबर पर चली जाती है, फिर देख रही, इसके थंबनेल आ जाते हैं सजेशन, इसकी माँ का साकी ना का, कोई नहीं चलो भाई थोड़ा चिल मारो तो बारी था, लेकिन यार मतलब बोला ही नहीं जा रहा क्या बोलूं, मेरे को एक्चुअली गुस्सा आ रहा है कि लाइक गुस्सा कर रहा है इसमें, और देख ना फिर गाइस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट क्लिक ऑन द बेल आइकन।